हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज मैं एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए 3 कलर का धागा लिया है। आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। और क्रोशिया हुक मैंने 3.0 mm का लिया हुआ है। आप क्रोशिया भी अपने धागे के अनुसार ले सकते हैं, जैसे आपका क्रोशिया उसी हिसाब से धागा आपका। ये फ्लावर मैंने अपने लिए बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको सिखाऊँ। ये 3D फ्लावर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ग्रीन धागे से बनाऊंगी। इस तरह से ले, धागा पकड़े, यहाँ से क्रॉस कर दें, यहाँ से ले, ऐसे घुमा दें। उसके बाद यहाँ से 1, 2 चेन, फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया बुनेंगे। पहले हम 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे, और 15 डबल क्रोशिया अलग से, इसको लेकर 16 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया, इसे अच्छे से खींच लें। और यहाँ जो फर्स्ट चेन दिख रहा है, यहाँ इसमें, इसके ऊपर यहाँ से स्लिप स्टिच करें, एक चेन बनाएंगे और हम यहाँ धागा कट कर देंगे। इस तरह से हो गया। इस वाले को भी हम यहाँ अच्छे से गांठ लगाएंगे इस तरह से। तो अब ये यहाँ ज़्यादा खुलेगा नहीं, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम अंदर ले जाएंगे। आप इसे सुई से भी कर सकते हैं, यहाँ से अंदर ले जाएं और यहाँ हम धागा कट कर देंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से इस धागे को भी नीचे ले जाएं, इसे भी नीचे से अंदर कर दें और यहाँ कट कर दें धागे को। अब हम यहाँ से नया धागा लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से पकड़े और यहाँ नीचे से ऐसे करें। किसी भी चेन से आप ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से हम पहले ये 3 चेन डबल क्रोशिया कर लिए, फिर ये 2 चेन हम घूमने का लिए, फिर यहाँ से फंदा लिए और सेम जगह में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वी शेप का हुआ। एक चेन हम स्किप करेंगे यहाँ, फिर इसके अंदर आएंगे अगली चेन में, यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर सेम जगह में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, फिर फंदा लेंगे, एक स्किप करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, 2 चेन लेंगे, यहाँ इसके अंदर सेम जगह में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम 8 बार बनाएंगे और यहाँ ले आएंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। तो यहाँ इस जगह हम आ गए। अब यहाँ 1, 2, 3 तीसरे चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो 8 पेटल का रेडी हो गया। फिर यहाँ एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे इस तरह से, ये रेडी हो गया। अब यहाँ हम नया धागा लगाएंगे अपना, इस कलर का मैं लगा रही हूँ। यहाँ ऐसे रखें, क्रॉस करें, फिर यहाँ नीचे से ऊपर लेंगे, और हम किसी भी जगह से बना सकते हैं जो हमारा वी शेप है। यहाँ से लें, एक, दो, तीन, सेम जगह में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। चेन को भी हम डबल क्रोशिया ही गिनेंगे और 4 डबल क्रोशिया अलग से बनाएंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और फर्स्ट वाले चेन से जाएंगे। यहाँ हम पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं, इस तरह से बन गए। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 लिए और हम यहाँ आएंगे अगले में, यहाँ भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हो गया 5, फिर यहाँ लेंगे और यहाँ से हम सेम तरीके से 1, 2, 3, 4, 4 ले लें, फिर यहाँ से सेम तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे।
ये पूरा राउंड हम इसी तरह से पूरा बना लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहाँ आके इसके नीचे इस चेन जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच कर दें, एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे इस तरह से। ओके, अब धागे को आप नीचे ले जाएं, यहाँ से सुई धागा की हेल्प से भी कर सकते हैं, एक बार और यहाँ इस तरह से करके एक गांठ लगा के कट कर सकते हैं, या थोड़ा दूर ले जाके भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया, बन गया। अब हम यहाँ से अपना दूसरा धागा लगाएंगे, ऐसे रखें, यहाँ से क्रॉस करें, नीचे से लें, खींच लें, किसी भी जगह से आप लगा सकते हैं, किसी भी चेन से इस। तो यहाँ लें पहले इस तरह एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया एक, उसके बाद हम यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। अब हम यहाँ से इसके अंदर दो बार लपेट के बनाएंगे, यहाँ से पहले एक बार निकालें, दो बार निकालें, तीन बार और चार बार, दो बार लें, सेम जगह में तीन बार, एक बार निकालें, फिर दो बार निकालें, तीन बार निकालें, चार बार, दो बार हुआ, ये तीसरी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब यहाँ से हम इसमें जाएंगे, यहाँ पहले हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हुआ, दो हुआ। अब यहाँ बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ एक दो बार लपेटेंगे, और यहाँ आएंगे हम ग्रीन पे, नीचे से ग्रीन को ऐसे लेंगे, यहाँ से धागा लिए, फिर हम दो को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे, और फिर दो को, यानी तीन बार में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब हम ऐसे करेंगे, फिर इसके बगल हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर हम दो डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो दो बार रिपीट करके देखें। फिर ये हमारा हुआ दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम दो बार लपेटेंगे, और इसके पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर में जो फ्लावर है हमारे उसके अंदर से हम लेंगे, यहाँ से इस वाले से, यहाँ से एक बार लेंगे, दो तीन चार, फिर दो बार लें सेम जगह में, एक बार, दो बार, तीन बार एंड चार बार, फिर दो बार लेंगे, एक बार सॉरी, एक दो तीन एंड चार, ये कंप्लीट हो। फिर यहाँ हम लेंगे इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर दो बार लपेटेंगे, और फिर हम आएंगे यहाँ ग्रीन में, और यहाँ से हम दो बार निकालेंगे, फिर दो से तीन बार में कंप्लीट, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया इसके अंदर हम यहाँ से पहले एक से फिर दो से तीन चार बार में, एक से फिर दो दो करके तीन बार। तो इसी तरह से ये पूरा हम डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे रबर बैंड में जोड़कर हेयर टाई बनाना। तो यहाँ आ गए हम, तीन इस पर मैंने बना लिया। अब यहाँ दो डबल क्रोशिया, फिनिश पॉइंट आ गया, और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ, फिर दो यहाँ से। तो यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पे आ गए, यहाँ से लेंगे यहाँ इस जगह से, और यहाँ से दो, फिर दो, फिर दो। अब यहाँ हम आ गए इसके ऊपर, यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे।
एक चेन बना के हम धागा को कट कर देंगे और सुई से इसको सही कर देंगे। तो हमारा बेस पॉइंट रेडी हो गया, इस तरह से रेडी हो गया। इसके ऊपर हम एक मोती आप चाहे तो लगा दें, ना चाहे तो ना लगाएं। तो यहाँ का काम ये कंप्लीट हो गया। इसको चाहे सुई से बनाएं चाहे यूं ही बना लें। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। यहाँ से आप दूर ले जाएं इसे, इस तरह से जहाँ मोटा है वहाँ से लें। सुई से यही चीज़ आसानी से हो जाती है। मैं यही कट कर दे रही हूँ, लंबा भी ले जा सकते हैं नहीं भी ले जा सकते। ये हमारा रेडी हो गया फ्लावर का पॉइंट। अब मैं हेयर टाई के लिए इसमें बनाऊँगी, इस तरह से ले। इसको साइड, सॉरी ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। एक बार सेव करें इस तरह से। इस मैजिक रिंग से हम बेस बनाएंगे। तो दो चेन मैंने लिया, दो चेन के बाद हम यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड आठ, आठ बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से हम इस पार से बुनेंगे। आठ हमने यहाँ ली बनाया, आठ हम इस पार से बुनेंगे इस तरह से। आठ डबल क्रोशिया यहाँ से बुन लें, फिर मैं जोड़ना दिखाऊंगी किस तरह से जोड़ना। यहाँ मैंने आठ बनाया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसके बाद जो ये हमारा धागा है इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे, अच्छे से। और इसको हम इस पार अंदर कर लेंगे यहाँ से, और आधा इस पार कर लेंगे आधा उस पार कर लेंगे। और यहाँ से हम फर्स्ट स्टिच में टाइटली एकदम टाइट रखकर जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से अच्छे से। फिर यहाँ एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे। ये हमारा बेस रेडी हो गया यहाँ का, और इसे हम ऐसे रखेंगे। इस धागे को ले लें टाइट खींच के और यहाँ ला के हम बांध देंगे इस तरह से। ये पूरा रेडी हो गया, ये मैंने बना लिया। और इसको हम यहाँ नीचे इस जगह से अंदर करके ले जाएंगे यहाँ से। इसको थोड़ा मजबूत करना चाहें तो इसके ऊपर हर एक चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया बना के थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ अंदर कर दूंगी मैं और यहाँ इसको कट कर दूंगी। उसके बाद हम इसको ग्लू गर्म करके इसे ग्लू हॉट ग्लू से इसे चिपका देंगे ऐसे। इसको लेंगे और इसके ऊपर हमने इसी के बराबर बनाया है 16, तो इसी पर हम ऐसे चिपका देंगे अच्छे से। तो ये आपका हेयर टाई रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें बताएं, और चैनल में अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे चैनल पर आपको एक से एक वीडियो काम की मिलेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।